यहाँ हर उम्र के तुम्हारा
जब जमा होते हैं और जब प्रभु तस्वीर होता है तो हर फर्द बालक और आदिम अपने अपने हिसाब से उसे मिलता संभव हो ठीक है। अब आपको चीज़ी दे
मेरे साथ चलना है उतना बोलते हैं। कुरान शिफा भी है रहमत भी, किसके लिए? मोमिन के लिए। कुरान हिदायत है मगर हुदा मुत्तकीन, साहिबान-ए-तक्वा के लिए। तो आप समझे कुरान किसको फैसला देगा? हम ये भी बताना है कि तक्वा क्या है, ईमान क्या है। आपको अपना मकान नहीं पता चलना तो मैं क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझे कि आपके पास कौन सी दौलत है। अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा भी ईमान भी तुम्हारा बख्श ईमान चाहिए तो दायरे मोहब्बत अली में क्योंकि अली का देना गैरुल्लाह का देना नहीं है। अली का अदा करना मकान मिलेगा आपको इंशाल्लाह, दो मकान मिलेगा, एक मकान से लेकर वादा कर रहा हूँ बच्चों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, ऐ वो लोग जो ईमान लाए मदद हासिल करो किसे? सबसे सलाम से। ईमान लाने वालों सबसे नहीं, ये तो आपको बोलना चाहिए ना, मैं भी देर तक नहीं बना रहा हूं उसको सीख रहा हूं, ये आपको बोलना चाहिए ना कि अरे ईमान लाओ मदद मांगो मदद हासिल करो सबसे और सलाम से। तो अल्लाह का ये कहना कि मदद मांगो ये बता रहा है कि हमें मदद की जरूरत है। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये अल्लाह कह रहा है कि मदद मांगो सबसे और सलाम से। तो सब सलाम से मदद मांगने का जो हुक्म है कुरान में ईमान वालों को, तो पहली बात कि हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं समझे कि हम कुछ है, सारा हुए खत्म कर किनारे करो। तो बच्चों क्या कहा? मदद मांगो मदद हासिल करो सबसे और सलाम से। तो पहली बात मदद मांगना हमारी जरूरत है, और दूसरी बात जब अल्लाह कह रहा है कि सब लोग सलाम से मदद मांगो तो सब लोग सलाम की मदद गैरुल्लाह की मदद नहीं है। थोड़ी देर पहले मगरबैन में सब ने आयत पढ़ी, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। अभी तो आप मुसल्ले पर लेके आ रहे, मालिक तेरी मदद करता हूँ और तुझसे मदद चाहता हूँ। तो मुसल्ले पर पहले मान रहा है कि मुझसे मांगो, और कुरान में कह रहा है कि सबरो सलाम से मांगो। थोड़ी देर के साथ चले ताकि हम मुसलमान तक पहुंचे। कुरान में कहना है कि सबर सलाम से मांगो, ये बात मैं यहाँ पर रुकता हूँ। पहले अभी तो कह के आप आए रहे मुसलमे भाई, मालिक तेरी इबादत और तुझी से, तो हमने तो उससे कहा है कि तुझसे मदद, और मदद किस चीज में? किस चीज में? तुझसे मदद चाहते हैं हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, बाकी रख। हमें इससे भी महसूस है कि सिरात
लेकिन इसका हकीकी तर्जुमा उलमा तशरीह फरमा है। यहाँ पर कोई ग्रामीण इसका सुन करना, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तफसीर अनवारों को रख कर मेरी जमानत है। तो आप कहाँ चाहे देखे कि तर्जुमा ही होगा यहाँ पर, वो रास्ता जिन पर मेरा मार्ग नहीं, ये गलत है। यहाँ पर मुसाम मुसाफिर की बहस है, जिसके नतीजे में तर्जुमा ये होता है कि वो रास्ता नहीं बल्कि जो वो नाजिल करे मुसीबत में, तो आप कोई मोमिन
उजागर कर रहा है, क्या उसका अपना क्यों है? तवज्जो करिएगा, बल्कि ये फिक्र में और आपके दिल पर महसूस कर दूं। जनाब मैं लूट कर आप से आया, माने की कितनी मुसीबतें आई, मैंने सब्र किया, अपनी मंगली मांगी, मैंने सब्र किया, तुम वाला तो आप चला गया, मैंने सब्र किया, वाकया हुआ मुझे पूरा, जनाब मैं अय्यूब का, मैंने सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, आवाज है कुदरत आई, अय्यूब ये क्या सब्र सब्र लगा रखा है, अगर मैं तो सब्र ना देता तो कैसे करते? नहीं, यहाँ पर
रुकता हूँ मैं, चार मिनट मेरे के लिए, ताकि जहां तक नहीं पहुंची वहां भी पहुंच जाऊं। अगर मेरे दिल को जनाब शाह लखनऊ दुनिया में शाही दुनिया उनके चार मिनट में पहुंचता हूं, वो कहते हैं और मिसरे उनके क्या, मौला ने उनसे निकाल लिए हदीस का तर्जुमा किया उसने लिखने वाले, कहते हैं अगर कहा है सलामी तो एक कर्म ये करो, अगर कहा है सलामी तो एक कर्म ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी नाराज हो तुम। अगर कहा है सलूनी तो एक कर्म ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम, मतलब तुम ही बता दो, दुनिया समझ नहीं सकी तवज्जो, और समझते समझते जब शर्म शर्म के तालीम से जो बातें हम तक पहुंची, जब वही हजम नहीं हो रही तो हकीकत अलमिया को क्या समझे, हकीकत अपनी बता दो कि अभी राज हो तुम, अरे राज नहीं एक ही साथ है, वो कह रहे हैं मेरा नफ्स है, रसूल कह रहे हैं मेरा नफ्स है, Hey!
मनसब हो, फकत वहदत बचाने का हुनर ही उसका मनसब हो, खुदा सा हो खुदा से हो खुदा ना कहलवाता हो, खुदा सा हो खुदा से हो खुदा ना कहलवाता हो। और भला उसकी विलायत का भी सूरज डूब सकता है कि जो डूबे हुए सूरज को उंगली से उठाता हो। भला उसकी विलायत का भी सूरज डूब सकता है कि जो डूबे हुए सूरज को उंगली से उठाता हो। और खुदा के देश में बस एक ही महबूब देखा है, खुदा के देश में बस एक ही महबूब देखा है जो अपने आशिकों की कब्र में तशरीफ लाता है। हलाल जादों ने लगा के हैदरी नारा, हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। नारा हैदरी, अगर कहा है सलूनी तो एक कर्म ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अपनी रात हो तुम तुम्हारे सजनों की किस्मत पर बात फिर होगी। बताओ पहले नमाजी हो उसके सजनों की किस्मत पर हम बात करें, इतना देरों तारीफ से उठा दे मगर आपके गलों की इतना भूलना कि मुझे हौसला न जाए। उसके सजदों की अजमत पर बात हम करेंगे, अरे तहले रसालत से जिसकी तस्दीक हो कि जो मैं खंदक जिसकी है हालत सब अनैन की इबादतों से अफजल हो। इनका सजदा नहीं, उस सजदे को हम क्या समझते हैं जो सजदा तौहीद को बचा होता है।
मदद की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, उससे दरख्वास्त की तो इसने कहा मेरे भाई हमसे मदद चाहिए ना अली गुप्ता, कोई ये ना कहने वाली अली गुप्ता क्या है, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने उन्होंने जो चीजें हम तक पहुंचाई है उसे अधूरे पड़े हैं, ये या अली गुप्ता हम सिर्फ चर्चे में नहीं कहते बल्कि हुक्मे खुदा पर अमल करते हैं। तो जो आपकी ये हुक्मे खुदा पर अमल जब रसूलुल्लाह को जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने कहा अली बोलो। अब एक फैसला मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सब मिल के बोलूंगा, सवाल इसी में कर रहा हूँ आपसे, अल्लाह ने कहा पुकारने को रसूल से कि नहीं, उसने कहा नादर अली है ना, तो नादर अली अल्लाह को पुकारना हुक्मे खुदा है कि नहीं है या नहीं, अल्लाह ने कहा कहा, अब बताओ जब अल्लाह ने कहा तो रसूल ने अली को पुकारा या नहीं, सबको नहीं पुकारा, पुकारा तो अल्लाह ने जब कहा तो नबी ने पुकारा, सही नहीं है तो फिर झगड़ा ही किस बात का, अब फितरा में कह रहा हूं बोल के बताना, जब उसमें खुदा भी है और नबी ने पुकारा भी है तो अली से जब तक न मिले जब तक
अब एक बार तो थोड़ा खुश हो जाते आपका भी यहाँ पर तो आप भी खुश हो जाइएगा। हमने शुक्रिया अदा कर दिया यारी मदद न करो या अल्लाह को शुक्रिया। हमने एक बात का अदा कर दिया कि कम अज कम इतना तो समझ में आया कि अली के मुकाबले किसी बंदे को नहीं माना जा रहा।
अमानत था। इन्होंने वैसे ही वो मकसद पूरा किया। दुनिया में भी कुछ समझ न सकी थी, न समझ सके थी, मगर तबलीग से पूछा गया अल्लाह अकबर क्या हाल है मुल्ला के, इलाही कफा दी सन। ये अली देखिए कैसे मकसद पूरा हुआ, मालिक मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। सोचो सोचो तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा। एक मकाम और बनाया अपने रब से गुफ्तगु हो रही है, मालिक आखिरी ही तेरा है रब जो है मैं आज की मदद से, मालिक तू न होता तो मुझे वजूद न मिलता। बड़ी जसारत के साथ मामला फैसला कर रहा हूं, कबूल करने का समझिएगा, मालिक तू न होता तो मुझे वजूद न मिलता और अगर मैं न होता तो तुझे जरूर न मिलता। इनके जरिए से उसके औसाफ जाहिर हो रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं फिर उठ जाता हूं, ये खंजर जो गर्दन पर चला, ये गर्दन हुसैन की है, मगर ये गर्दन जिस पर खंजर चला ये अल्लाह की पहचान है। करिए जब उसने आखिरी को आए हैं सच्चाई का शामिल हिलाया है।
चार पांच का होगा क्योंकि सजाती है चाहने वाले आपके सलाम का जवाब देने आए।
ही काफी था। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मगर हुसैन कितना मजलूम है उसे पता है। जब रोशन होकर खैमे से निकले दाइयों ने कहा कभी एक बात का जवाब दे तस्वीर न कर सकूंगा
Yeah.